हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ गौद का फाणू। ये उत्तराखंडी डिश है, एक बहुत फेमस है ये। तो ये है गौद जो मैंने ओवरनाइट भिगा के रखे थे। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है दाल। तो इसको जब भी फाणू के लिए भिगाएं तो इसे ठंडे पानी में भिगाना पड़ता है। अगर गर्म पानी में इसको भिगाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए इसे जब भी भिगाएं, तो अगर मॉर्निंग में बनाना है तो नाइट में भिगाना पड़ता है। और ये टमाटर, मिर्ची और अदरक लहसुन है, इन सब का मुझे पेस्ट बनाना है। और ये दाल को भी मुझे पीसना है। मैंने रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि इसकी पकौड़ियाँ भी बनानी हैं। तो ये मैंने पकौड़ी के लिए पीसा हुआ है, और थोड़ा मैंने वैसे पीसा हुआ है जिसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा है। दो तरह से पीसा हुआ है ये। तो अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी, नमक, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची, नॉर्मली जो होता है वही मसाले, और कुछ मिक्स नहीं करना होता है इसमें। ये धनिया, जीरा, हल्दी, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालनी है जिससे पकौड़ियों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा ये लाल मिर्ची ऐड करी है। ये होममेड है इसलिए लाल नहीं दिख रही है, ये मैंने घर में पीसी है। और ये मैंने डाल दी कस्तूरी मेथी। अब इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स करके हाथ से मिक्स करूँगी क्योंकि चम्मच से सही से नहीं हो पा रहा है। तो अब देखो ये मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी, चम्मच से भी डाल सकते हैं मगर मैं हाथ से डाल रही हूँ। इस तरह से छोटी छोटी बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है इस तरह से। और ये देखो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। और ये देखो मीडियम फ्लेम में पकाएंगे हम इसे ताकि अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं, ये कच्चे ना रहें। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा से पलट दूंगी इसे चम्मच से। और ये हो गया है लगभग से। अब ये हो चुके हैं लगभग से। थोड़ी देर और रखूँगी, एक आध मिनट, ज़्यादा वैसे ज़रूरत नहीं है इसको क्योंकि ये जब हम उसमें डालेंगे बाद में बनाएंगे इसकी ग्रेवी जो दूसरी दाल है तो उसमें भी थोड़ा सा सीख जाते हैं ये। तो ये हो चुके हैं, वैसे अच्छे से पक गए हैं ये। ये देखो अब मैं निकाल दूँगी इनको। और ये देखो ये हो गए, अभी इन्हें निकाल देंगे। देखो इन्हें वैसे भी खा सकते हैं चटनी के साथ या सॉस के साथ, किसी और चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी अच्छे लगते हैं ये। तो ये मैंने थोड़ा सा तेल कम करके इसमें डालूँगी तड़का। पहले मैंने ऐड करी सबसे पहले साबुत मेथी, मेथी दाना डाला है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा साबुत जीरा, राई और वो डालूँगी धनिया, साबुत धनिया। ये हल्के से हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ी सी हींग, हींग का तड़का मारने से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और गैस कर दूंगी कम। उसके बाद मैं डालूंगी सूखे मसाले, जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्ची। इसको हल्का सा फ्राई करना है। और उसके बाद उसमें डालेंगे टमाटर जो मैंने ग्रेवी बना रखी है, अदरक, लहसुन, मिर्ची, टमाटर का, तो इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और बहुत अच्छे से पकाना है इसको। अभी नमक ऐड नहीं करा है इसमें, अब नमक ऐड करेंगे इसमें। मसाले को पहले अगर थोड़ा सा भून लो तो उसका थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने पहले से मसाले ऐड करे। उसके बाद टमाटर, अब इसमें नमक ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ी देर इसे पकाना है। उसके बाद इसमें जाएगी दाल जो पीसी हुई है। ये देखो मसाले अच्छे से पक गए हैं।
अब इसमें डालूंगी मैं जो मैंने दाल पीसी भी है इसके लिए। देखो इसे ज़्यादा देर भूनना भी नहीं होता है। इसमें अब मैं पानी ऐड करूंगी थोड़ा सा ऐसे पकाने के बाद। चावल के साथ इसका बड़ा अच्छा टेस्ट होता है तो इसे मैं चावल के साथ ही बना रही हूँ, चावल के साथ के लिए ही बना रही हूँ। और अब इसमें ऐड करना है पानी। देखो मैंने खूब सारा पानी ऐड करा है इसमें, पकने के बाद गाढ़ा हो जाता है तो ये बहुत सारा पानी ऐड करा हुआ है इसमें। थोड़ी देर पकेगा ये मीडियम फ्लेम में, 15 मिनट के करीबन पकाना है इसे मीडियम फ्लेम में ताकि इसका कच्चापन सारा निकल जाए। ये देखो बहुत अच्छे से पक गया है और ये गाढ़ा भी हो गया है। अब मैं इसमें जो पकौड़ियाँ बना रखी हैं वो ऐड कर दूंगी और 5 मिनट और पकाना है इसे, फिर हो गई ये रेसिपी तैयार। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो में कुछ कमी दिखती है तो प्लीज़ वो भी मुझे बताएं कि वीडियो में क्या कमी है। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बढ़िया से बने वीडियो। या और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।